चलिए जान लेते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की आज दिन भर की और रात तक के सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में भी शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश के आगरा में छिपे 32 बांग्लादेशी पकड़े गए। बंगाल बॉर्डर पार कर बिहार के रास्ते भारत में घुसे, पुलिस कर रही कड़ी पूछताछ। जी हां दोस्तों, आगरा में छिपे 32 बांग्लादेशियों को आज पुलिस ने पकड़ लिया है। यह लोग आवास विकास कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे। पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। थाना सिकंदरा पुलिस को इनपुट मिला था कि थाना क्षेत्र में किसी कॉलोनी के आसपास बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे थे। बता दें दोस्तों कि थाना प्रभारी आनंद कुमार शाही ने पुलिस टीम के साथ सर्च शुरू किया और कुल एक एक करके 32 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जो कि यहां अवैध रूप से रह रहे थे। सीएम योगी ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। नाव से देखी गंगा पार, बनी टेंट सिटी, लगे जय श्री राम किनारे। जी हां, वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने आज श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। आप ऊपर वीडियो में देख पा रहे होंगे। बता दें कि फार्मा सेक्टर के राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल होने के बाद पहले नमो घाट पहुंचे, वहां से नाव के द्वारा गंगा पार बने टेंट सिटी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद नाव के जरिए से सीधे विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पहुंचे। काशी में पैगंबर हजरत अली का जश्न शुरू, शहर में सज गई महफिली, आज निकलेगा जुलूस। जी हां दोस्तों, वाराणसी में आज पैगंबर हजरत अली की जयंती मनाई जा रही है। कई जगह महफिलें सजाई गई हैं। 11 रजब 1444 हिजरी पर शेरे खुदा दमादे पैगंबर हजरत अली की जयंती के दौरान जश्न का आगाज हो गया है। बताने की पीतर कुंडा में महफिलें सज गई हैं। कई शहरों ने कलाम भी पेश किए। इस तरह से वाराणसी में कुल जश्न मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ग्लोकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे रिपोर्ट दर्ज। जी हां, सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र में मिर्जापुर स्थित ग्लोकल यूनिवर्सिटी के छात्रों का पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि मिर्जापुर ने इस मामले में दो छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। यूनिवर्सिटी ने भी दोनों छात्रों को निष्कासित कर दिया है। बता दें कि ग्लोकल यूनिवर्सिटी पूर्व MLC हाजी इकबाल और उनके परिवार की है। दया शंकर सिंह का अफसरों को कड़ा आदेश, यूपी की सड़कों पर मंत्री भी तोड़े नियम तो ले बड़ा एक्शन। जी हां, योगी आदित्यनाथ सरकार के परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यूपी की सड़कों पर यदि मंत्री भी नियम तोड़े तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि मैं खुद भी सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई कर दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों के आंकड़ों को हर हाल में 50% कम करना है। हमारी कोशिश होगी कि सड़क सुरक्षा के नियमों को हर कोई अपनी दिनचर्या में लागू करे, उनका पालन कराने के लिए अभियान चलाया जाए। कश्मीर पर फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, भारत की छवि खराब करने के लिए तैयार कर लिया है टूलकिट। जी हां, इस वक्त की खबर आ रही है, पाकिस्तान अपनी आर्थिक हालातों को सुधारने के बजाय कश्मीर राग अलापता रहता है। एक नई साजिश के तहत पाकिस्तान ने एक बार फिर से कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की एक नई योजना बनाई है। बता दें कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपने दूतावासों से कश्मीर घाटी में इस तरह की साजिश रचने के लिए कहा है जिससे कि भारत सरकार की छवि खराब हो। उत्तर प्रदेश में आयुष कॉलेजों के लिए UG की कल PG की 7 से काउंसिल शुरू, जाने कैसे करना होगा। जी हां दोस्तों, प्रदेश में आयुष विभाग के तहत आने वाले आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए काउंसिल का दूसरा दौर 6 फरवरी से शुरू होगा। BA MS, BHMS और BU MS के लिए होने वाले काउंसिल के दूसरे चक्र के लिए पहले ऑनलाइन पंजीकरण किए जाएंगे, जबकि 13 और 14 फरवरी को नोडल सेंटर पर मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंसों पर पड़ा रूस यूक्रेन युद्ध का असर, इस वजह से नहीं बन पा रहे 2.25 लाख लोगों की DL। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस में लगने वाली चिप का संकट पैदा होने से उत्तर प्रदेश में 2.15 लाख ड्राइविंग लाइसेंस फंस गए हैं। चिप की सप्लाई चेन नंबर 2022 से प्रभावित है जिसके कारण लखनऊ में प्रिंट होने वाले प्रदेश भर के DL नहीं बन पा रहे हैं। इधर पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रिंट न होने से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन बिना RC के सड़कों पर उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड को 3rd डिवीजन छात्रों से क्या पड़ गया ये जरूरी काम, खोजे नहीं मिल रहे जाने पूरा मामला। जी हां, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा से पूर्व जिले में टॉपर छात्रों को ही नहीं बल्कि 3rd डिग्री से पास छात्रों की खोज हो रही है। बोर्ड के नियम के अनुसार हाथ से लिखने में अक्षम
परीक्षार्थियों को थर्ड डिवीजन पास छात्र ही लेखक के रूप में मिल सकता है। अब मुश्किल ये है कि आजकल 45% या उससे कम नंबर गिनती के ही बच्चों के आ रहे हैं, ऐसे में परीक्षार्थियों को लेखक खोजे नहीं मिल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से 4 मार्च तक होगी। हाथ में चोट होने पर अथवा हाथ से दिव्यांग होने पर परीक्षार्थियों को मददगार के रूप में लेखक मिलता है। बोर्ड का यह नियम है कि लेखक परीक्षार्थी से ऊंची कक्षा में नहीं होना चाहिए। माघी पूर्णिमा आज आयुष्मान योग व सौभाग्य योग में त्रिवेणी स्नान के पहले श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई पवित्र डुबकी। जी हां, बता दें कि माघ शुक्ल पूर्णिमा का स्नान पर्व आज मनाया गया है। गंगा जमुना व अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगाने के पहले सरयू में स्नान के लिए अयोध्या में पूर्वांचल के श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। बता दें कि शनिवार के दिन पहुंचे श्रद्धालुओं ने आज गंगा में आस्था के साथ डुबकी लगाई और फिर नागेश्वर नाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी व कनक भवन समेत श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला का दर्शन पूजन किया। रविदास जयंती के मेले में बड़ा हादसा टला, गैस सिलेंडर में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी। जी हां, वाराणसी में रविदास जयंती के मौके पर बड़ा हादसा होने से टल गया है। मेला क्षेत्र में आज अचानक चाय की दुकान पर रखे सिलेंडर में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों व फायर ब्रिगेड की टीम के साथ सेवादारों की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चाय की दुकान फैज चलाते हैं। फैज ने यह जानकारी दी है कि दुकान में सिलेंडर रखा हुआ था, उसमें गैस का लीकेज अचानक होने लगा। धर्मांतर में फरार कानपुर के शिक्षक पर बड़ा एक्शन, घर की होगी कुर्की। जी हां, सामूहिक धर्मांतरण के मामले में फरार उत्तर प्रदेश के कानपुर के शिक्षक के घर की पुलिस जल्द ही कुर्की करेगा। बताने की CJM कोर्ट ने कुर्की का आदेश आज जारी कर दिया है। वही दोस्तों, मामला है कि 14 अप्रैल को हरिहरगंज के इवेंजेलिकल चर्च में सामूहिक धर्मांतरण में सरकारी स्कूल के शिक्षक आशीष इमैनुअल का नाम प्रकाशन में आया था। उत्तर प्रदेश में इन 85,000 लोगों की फंस सकती है किसान सम्मान निधि, जानिए क्यों। यहाँ बताने की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने के लिए किसानों के खाते में EKYC होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए कृषि विभाग ने कन्नौज में 34 स्थानों पर कैंप आयोजित किए हैं। हालांकि डाक विभाग में स्टाफ की कमी व किसानों की संख्या अधिक होने के कारण किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में KYC न हो पाने के करीब 25,000 लोगों की सम्मान निधि फंस सकती है। दोस्तों, खबर अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। जिले भर में 2,69,000 किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा रहे हैं। बता दें दोस्तों कि इनमें से अब तक 2,28,000 किसानों का ही भूलेख सत्यापन हो सका है। 41,000 किसान अभी भी सत्यापन प्रक्रिया से छूटे चल रहे हैं। तो उन 41,000 किसानों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अपना ये प्रक्रिया करवा लें। वहीं 85,000 किसानों की अभी KYC होनी बाकी है, वो भी अपनी KYC जल्द से जल्द करवा लें। रायबरेली में सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरे की टक्कर में 3 लोग चल बसे, 2 लोग घायल। जी हां दोस्तों, रायबरेली में बछरावा लालगंज मार्ग पर स्थित नंदा खेड़ा गांव के पास आज एक ट्रक व बोलेरे की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 3 लोग चल बसे हैं जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को रायबरेली जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच प्रारंभ कर दी है। उत्तर प्रदेश के सामने आया यूपी के भ्रष्टाचारी अफसर का दुस्साहस, बैंक खातों में मंगवाता था घूस की रकम, CBI का नया खुलासा। जी हां दोस्तों, आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे EPFO के प्रवर्तन अधिकारी की जांच के दौरान CBI ने खुलासा किया है। बता दें कि अमित श्रीवास्तव घूस की रकम भी बैंक खातों में मंगवाता था। बता दें दोस्तों कि बैंक खातों की जांच से यह सामने आया है। आपसे भी कोई इस तरह से घूस ले रहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अमित ने भ्रष्टाचार की कमाई भी बैंकों में रखी है। महज 27 महीने में अमित ने न केवल अपने बल्कि पत्नी के खाते में भी लाखों रुपए जमा किए। रफ्तार इतनी तेज थी कि इस दौरान अमित के खाते में 500 गुना और उसकी पत्नी के खाते में 250 गुना पैसे आ गया था। भारत का चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक, 232 ऐप को किया बैन। जी हां, चीन के खिलाफ एक और कार्यवाही करते हुए केंद्र सरकार ने 232 ऐप को भारत में बैन कर दिया है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से 138 सट्टेबाजी ऐप और 94 लोन ऐप को सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बैन कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया है। बता दें दोस्तों कि मंत्रालय को इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने और ब्लॉक करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद बीते सप्ताह इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है और आज पूरी तरह से 232 चीनी ऐप को भारत में बंद कर दिया गया है।
पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेनों में ब्रेक लगा और 9 महीने में बचाए 26 करोड़ रुपए, जानिए कैसे। जी हाँ, पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रेनों ने ब्रेक लगाकर 9 माह में 26 करोड़ रुपए बचाए हैं। यह बचत बिजली बनाकर की गई है। बता दें दोस्तों कि नई तकनीकी के 3-फेज लोकोमोटिव इंजन से यात्रा में ब्रेक लगाने के दौरान बिजली का उत्पादन किया गया है। उत्पादित बिजली पेंटू और ओएचई के जरिए सीधे ग्रिड को चलती है। अगले वित्त वर्ष में दोस्तों 50 करोड़ रुपए की बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लें।